हेलो एवरीवन, माय नेम इज मयंक अग्रवाल एंड आई एम करेंटली वर्किंग इन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड आई हैव जॉइन इंडियन ऑयल इन 2022 थ्रू गेट 2022। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एनपीसीआईएल ने अपने रिजल्ट्स डिक्लेयर कर दिए हैं अभी और इसरो के इंटरव्यू के डेट्स भी अनाउंस हो चुके हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स का एनपीसीआईएल में सिलेक्शन हुआ है उनको मेरी तरफ से और पूरी मार्गदर्शन टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम माई साइड एंड ऑल द मार्गदर्शन टीम। और जिन 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 भी स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है उनकी ज्वाइनिंग डेट आ चुकी होगी। तो फर्स्ट उनका प्रोसीजर है कि आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं एंड देन आपका मेडिकल होगा। आफ्टर दैट आपको अपनी ज्वाइनिंग लोकेशन पर जाकर ही मेडिकल होगा एंड देन आपको ज्वाइन करवाया जाएगा। देखिए, अगर कुछ भी मेडिकल में थोड़ा बहुत आपको मेडिकल डिफेक्टिव पाया जाता है तो कुछ एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल दिया जाएगा उसको सुधार करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए, देन आपको ज्वाइनिंग प्रोवाइड की जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको ज्वाइनिंग प्रोवाइड नहीं की जाएगी। तो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम माय साइड एंड ऑल द मार्गदर्शन टीम। बट ये जो टॉपिक है, ये जो वीडियो है, ये हम क्यों बना रहे हैं, हमारा बनाने का पर्सपेक्टिव क्या है, हमारा बनाने का मोटिव है कि जिन भी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं हुआ है, जिन भी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन अभी तक बार्क में नहीं हुआ है, एनपीसीएल में नहीं हुआ है, या फिर अभी तक जितनी भी पीएसयू कंपनी आई है और उनका जो भी ड्रीम था अभी वो फुलफिल नहीं हुआ, तो वो काफी डिमोटिवेटेड हो गए होंगे, काफी होपलेस होंगे, ऐसा लग रहा होगा कि जस्ट उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। बट मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि मेरा भी बार्क एनपीसीआर में सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो मैं अपने आप से कनेक्ट आपको कर सकता हूँ। तो इसीलिए आपका अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आप पहले अपने आप को एनालिसिस कीजिए कि आप कहाँ पर लैग कर रहे हैं, जहां पर आप लैग कर रहे हैं, क्या आप अपने मेंटर चुनने में लैग कर रहे हैं, क्या आपने एक ऐसे मेंटर को चूज किया है जिन्होंने लाइक अभी तक पीएचयू इंटरव्यू ही फेस नहीं किए या फिर किसी भी पीएचयू में सिलेक्शन नहीं लिया है, कोई ऐसे इंटरव्यू, कोई ऐसे मेंटर सेलेक्ट किए हैं आपने? तो मेरा सजेशन, पर्सनली सजेशन ये रहेगा कि आप अपने मेंटर को एक ऐसा मेंटर चूज कीजिए जिन्होंने अपने पास्ट हिस्ट्री में कुछ ना कुछ अचीव किया हो, लाइक किसी पीएचयू का इंटरव्यू दिया हो या फिर उसमें पीएचयू में सिलेक्शन लिया हो, लाइक उन्होंने कोई रिसर्च पेपर पब्लिश किया हो। एक अच्छी नॉलेजेबल पर्सन को सिलेक्ट कीजिए आप, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाए, आप कहाँ लैग कर रहे हैं ये आपको पता बताया जा सके। तो अगेन हम बताएंगे आपको कि वी आर फ्रॉम द मार्गदर्शन टीम एंड वी आर ड्रिवन बाय द पीएचयू एक्सपर्ट्स। हमारे पास जो भी एक्सपर्ट्स हैं, जैसे केमिकल में मैं एंड आई एम करेंटली वर्किंग इन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सिविल में केतन केतन के सिन्हा सर, वो अभी एनएचएआई में वर्क कर रहे हैं और एक्स एचपीसीएल में भी वर्क कर चुके हैं। तो सारे जो भी हमारे पास फैकल्टीज हैं वो सारे पीएसयू एक्सपर्ट्स हैं। लाइक मैकेनिकल में हमारे पास कुलदीप सर हैं, वो एनपीसीआई में करेंटली वर्क कर रहे हैं, और मैकेनिकल में हमारे पास सुबोध सर हैं, वो भी बार्क साइंटिस्ट रह चुके हैं पहले, अभी किसी दूसरी कंपनी में वर्क कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि हमारी जो टीम है, वी आर नॉट फॉर लाइक हम कुछ भी बोल रहे हैं और कुछ भी करवा रहे हैं, वी आर फॉर हमने यहाँ पर रिजल्ट प्रोड्यूस करके दिया। जैसा कि आप सभी लोग देखेंगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि एनपीसीआईएल में भी हमारे 40 प्लस स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। तो आउट ऑफ 400 हमारे 40 प्लस स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, जितने भी एनपीसीआईएल में टोटल स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। तो इसीलिए आपको एक मेंटर चुनने की रिक्वायरमेंट है कि आप गलत पाथ पर तो नहीं चल रहे हैं, क्योंकि अभी भी अपॉर्चुनिटी है, अभी भी बहुत सारी पीएसयू आना बाकी है, आईओसीएल आना बाकी है, एचपीसीएल आना बाकी है, आरसीएफएल आना बाकी है, एनएफएल आना बाकी है, एनटीपीसी आना बाकी है, सब में इंटरव्यूज होते हैं, नालको इसरो के इंटरव्यूज डेट आ चुके हैं। तो अगर आप अभी भी अपना मेंटर सही चूज नहीं किया आपने और सही कोर्स परचेज नहीं किया, जैसा कि आपको इंटरव्यू देने में भी प्रॉब्लम क्रिएट होती होगी, तो अगर आपने ये सब नहीं किया तो आपको आगे बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, आगे आप ऐसे ही पछतावा करते रह जाएंगे, आप रिग्रेट करते हुए रह जाएंगे कि हमने किसको चूज कर लिया, एंड देन यू विल फाइंड नथिंग एंड यू विल लूज एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू जस्ट बिकॉज यू डू नॉट हैव अ गुड मेंटर और अ गुड मेंटर हु कैन ड्रिवन योर पाथ। ठीक है, तो जैसा कि हम आपको बताएंगे कि वी आर फ्रॉम द मार्गदर्शन और हमने अभी 40 प्लस सिलेक्शन दिए हुए हैं एनपीसीआईएल में और सबके सिलेक्शन के फोटोज हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे। तो हमारे जो सिलेक्शन हुए वो हमारे चयन और परमाणु बैच से हुए हैं। चयन हमारा एक टेक्निकल इंटरव्यू कोर्स है, इसमें क्या होता है कि जितना भी
जो भी ब्रांचेस हैं उनका हम 100 आवर्स में एक पर्टिकुलर ब्रांच का कोर्स कंप्लीट करवाते हैं और मॉक इंटरव्यू शेड्यूल कराते हैं। तो काफी स्टूडेंट्स ने ये लिया है, उनका मॉक इंटरव्यू कराया गया, उनको हर एक मॉक इंटरव्यू में उनकी कमियां बताई गई कि आपके ये कमी है, आप यहाँ पर इंप्रूव कर सकते हैं, और उनका सिलेक्शन हुआ है। और जिन्होंने इस बात को फॉलो किया है उनका सिलेक्शन हुआ है, और जिन्होंने इस बात को फॉलो नहीं किया है कि ये केवल ऐसे ही पढ़ाते हैं, ऐसे ही कुछ भी बोलते हैं, तो दे आर नॉट लाइक, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। सिंपल सी बात है, अगर जिन्होंने हमारे पाथ को फॉलो किया है उनका सिलेक्शन हुआ है, और नहीं फॉलो करने वालों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे कि चयन का जो कोर्स है वो हम मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, ये सारी ब्रांचेस के लिए है, और इसकी जो प्राइस है वो 4000 प्राइस थी, लेकिन हमने इस प्राइस को रिड्यूस कर दिया था, और अभी हमारे पास ये आप देखेंगे, अभी हमारे पास परमाणु बैच से भी सिलेक्शन हुए हैं। परमाणु बैच आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर 2023-2024, इसकी प्राइस 1500 थी, जिसमें आपको मॉक इंटरव्यूज, इंटरव्यू के लिए मटेरियल, एनिमेशन वीडियोस, तो प्रीवियस जितने भी हम इंटरव्यू करा रहे हैं उन सबका इंटरव्यू एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया जाएगा हमारे ऐप पर। ठीक है, तो इसमें आपको ऐसा नहीं है कि जस्ट आप केवल अपना पैसा दे रहे हैं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप पैसा दे रहे हैं तो आपके पास मॉक इंटरव्यू किए जाएंगे, आपको GD GT की प्रिपरेशन की जाएगी, एंड सिंस टेक्निकल इंटरव्यूज आर नॉट रिलेटेड टू द GD and GT, सो दैट्स व्हाई वी डू नॉट प्रोवाइड द GD and GT इन दिस इंटरव्यू, दिस इज टोटली ओरिएंटेड फॉर द टेक्निकल इंटरव्यूज लाइक BARC, NPCIL, DAE, ISRO एंड एनी अदर टेक्निकल रिलेटेड इंटरव्यू, ओके, DRDO। और अगर आपको PSU इंटरव्यू का कोर्स लेना है तो PSU इंटरव्यू के लिए हमारे पास अभियान बैच है, जिसमें कि हम आपके पास लाइक कोई भी PSU हुआ आपका, IOCL, HPCL, BPCL, GAIL और NFL, IFCO, एनी अदर PSU, कोई भी PSU हुआ तो उसमें आपका GD GT भी आता है, तो GD GT एक्स्ट्रा प्रोवाइड हम कराते हैं, तो दैट्स व्हाई इट्स कॉस्ट इज 1999। 1999 का कोर्स है हमारा अभियान बैच, और अभियान बैच में काफी स्टूडेंट्स ने एनरोल किया है और उनको अभी फायदा मिल रहा है। अब आप हमारे नेक्स्ट स्क्रीन पर देखेंगे कि हमारे पास सिलेक्शन क्या है NPCIL के, ये देखिए NPCIL में हमने ऐसे इंटरव्यूज लिए थे इनके, और इनका सिलेक्शन हुआ है, जैसे कि आप बीच में देख रहे होंगे मिडिल में, ये केमिकल इंजीनियरिंग के, इनका मैंने इंटरव्यू भी रिकॉर्ड कर किया हुआ है, और आप जाके देख सकते हैं हमारे मार्गदर्शन के यूट्यूब चैनल पर, और इनकी एक काफी लोअर रैंक थी केमिकल इंजीनियरिंग में, एंड अप टू दैट रैंक यूजुअली एवरीवन डू नॉट गेट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क इनटू द IOCL, HPCL और एनी अदर PSU, बट दिस पर्सन इन्होंने अपनी इस रैंक के अकॉर्डिंग, इस रैंक को साइड में रखकर अपना पूरा फोकस इंटरव्यू पर दिया, हमने जो बोला उसको फॉलो किया, एंड ही गेट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन द NPCIL। ठीक है, अभी इनको NPCIL काकरा पर मिला है, और इनकी ज्वाइनिंग 1st of August को है, जैसा कि आप साइड में भी देख रहे होंगे मैकेनिकल इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर इनके अस्मित खरे हैं। अभी नेक्स्ट सिलेक्शन हम आपको बताते हैं, नेक्स्ट सिलेक्शन आप देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, ये बिशप कुमार एंड MD आसिफ, ये सब आप देख रहे होंगे, सारे सिलेक्शन हमारे मार्गदर्शन के, ऐसा कोई नहीं है कि फेक हो, क्योंकि अगर यहाँ पे फेक होता तो हम आपको ये इंटरव्यू की पिक्चर नहीं दिखाते। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, मीन सारी ब्रांचेस से सिलेक्शन, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर ब्रांचेस से ही हो रहा है, मीन सब पर्टिकुलर ब्रांच ओरिएंटेड नहीं है, तो ये सारे सिलेक्शन आप देख लीजिए हमारे, जैसे विकास, खलील, आशुतोष कुमार, सारे सिलेक्शन हुए हैं, और भी आपको दिखा देते हैं, ये भी सिलेक्शन है, स्कंद शर्मा इलेक्ट्रिकल में, इनका BARC में भी हुआ है, NPCIL में भी हुआ है, ऋषिकेश गड़गे, इनका BARC में सिलेक्शन हुआ है, लिखिता, इनका BARC में सिलेक्शन हुआ है, तो ये सारे सिलेक्शन हमारे मार्गदर्शन टीम के और उनके पूरे डेडिकेटेड कंटेंट जो कि उन्होंने चयन बैच और परमाणु अभियान बैच में इंक्लूड किया है उसकी वजह से हुए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको पछताना ना पड़े आगे आने वाले इंटरव्यूज में, PSU इंटरव्यूज में, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे कोर्स को बाय करने की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो आप वहां पर जाकर हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं और PSU एक्सपर्ट्स के थ्रू अपने इंटरव्यू शेड्यूल करा सकते हैं। ओके, थैंक यू।